माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टाइम स्क्वायर पे बहुत मज़ा आ रहा है। बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, इंजॉय भी कर रहे हैं लोग मज़े से। और देखिए होल्डिंग वोल्डिंग जितनी भी है साइन बोर्ड वगैरह वो सारे मकसद चटपुका रहे हैं, लाइटें वगैरह देखे। यहाँ हमारे मुल्क की तरह कोई ख़तरा नहीं है कि लाइटें जलेगी तो करंट आ जाएगा या कोई मर जाएगा, यहाँ सब लोग सेफ हैं। यहाँ इसी तरह देखिए हर जगह लाइटों पे ज़रा से भी कोई बंदिश नहीं हुई लाइट की, ना कोई बंद हुआ है, ना किसी को करंट का ख़तरा यहाँ पे, ना कोई यहाँ मर जाएगा। बाकी तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर इंसान की गफलत से नहीं कोई मरेगा। अगर उसकी मौत लिखी हुई है तो यकीनन मर जाएगा, मगर वैसे नागानी कोई आफत नहीं आएगी इसको, जैसे हमारे मुल्क में आती है। छोटे छोटे बच्चे गुजर रहे होते हैं तो बारिश ज़रा सा खड़ा हो जाता है तो करंट से मर जाते हैं ये लोग, और बेईस हुक्मरान कुछ नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर जाके फातिहा पढ़ते हैं, और यकीन जाने वो जो खाली हाथ उठाए होते हैं फातिहा भी इनको नहीं पढ़ना आता। इन लोगों को, इन लोगों ने ज़िंदगी में कभी, मैं तो समझता हूँ कुरान में नहीं पढ़ा होगा हमारे सियासतदानों ने, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हज़ारों की तादाद में मार रहे हैं। बड़ा दिल खून के आंसू रोता है जब इन तरक्की पजीर तरीकी आपका ममालिक में हम आते हैं, देखते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी इंसान की कदर है, कितनी इंसान की ज़िंदगी की कदर है, तो पता चलता है कि इंसान की क्या वैल्यू है। अस्सलाम वालेकुम, 25 जुलाई है आज, ट्यूसडे है 2023 और दोपहर के 1:30 है। यहाँ मैं मैनहट्टन न्यूयॉर्क में आया हूँ घूमने के लिए। आज मेरा ऑफिस ऑफ है तो मैंने कहा कि चले थोड़ी सी आपको चीज़ें यहाँ की बता दूँ। इस वक्त मैं ये बिल्कुल सामने रीगल थिएटर है जो रीगल सिनेमा, उसके सामने बैठा हूँ मैं। इसके साथ साथ मेरे बैक साइड पे भी एक सिनेमा है, डॉल्बी सिनेमा आईमैक्स सिनेमा है जो डॉल्बी, और आगे जो है आपको मैडम उत्सव जो है सारे टेलीविजन के बने हुए हैं वो आगे मैडम उत्सव का स्टेडियम है पूरा, और इसके साथ साथ बेशुमार दीगर एट्रैक्शन है। तो मैं अभी भी आया हूँ थोड़ी देर में, मैं आपको ये पूरा यहाँ का सर्वे कराता हूँ। बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम है और ज़बरदस्त हवा चल रही है। ये देखिए सबवे है, ये नीचे से ट्रेनें जाती हैं, कहीं जाना हो आपको किसी जगह भी न्यूयॉर्क में जिस जगह भी। तो मैं 8th एवेन्यू में बैठा हूँ, मैं 41 स्ट्रीट पे। तो अभी मैं टाइम स्क्वायर की तरफ जाऊँगा जो कि 7th एवेन्यू में, यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे वॉकिंग पे। और उसके आगे यहाँ ये पूरे यहाँ लातादा सिनेमा है, देखिए ये जो सामने अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर लिखा हुआ है उसके बराबर में डायरेक्ट थिएटर लिखा हुआ है, और बहुत सारे यहाँ सिनेमा थिएटर स्टेज शोज वगैरह जो होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह न्यूयॉर्क मैराथन का एरिया कितना रौनक वाला है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं तफरी के लिए, देखने के लिए कि चले न्यूयॉर्क जाके देखें। अगर इस न्यूयॉर्क को अमेरिका का दिल कहें तो ये मुनासिब होगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। चले मैं आपको आगे की तरफ देता हूँ। ये अमेरिका के फेमस आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है टॉय जॉनसन। तो ये मैडम तुसाओ एम्पोरियम में इनके बाहर ये लगाया हुआ है इनका स्टेचू, ये टॉय जॉनसन है। देखें यहाँ लोग आते हैं इनकी तस्वीर इनके साथ बनाते हैं, तो ये इनकी तस्वीर है, स्टेचू बना हुआ है बाहर इनका।
अमेरिका के बहुत ही पॉपुलर टॉप के एक्टर हैं ये। मैडम तसाउ एम्पोरियम जो है उनके बिल्कुल गेट पे ये इनका स्टेचू लगाया हुआ है। उन्होंने लोग अमेरिका के सबसे फेमस एक्टर के साथ तस्वीरें बना रहे हैं। टॉय जॉनसन यहाँ के अमेरिका के बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, आप देखते होंगे इनको एक्टिंग करते हुए फिल्मों में, और जो यहाँ से गुजरता है वो इनके साथ इनके स्टेचू के साथ तस्वीर बनाता है। और ये साथ में जो है ना मैडम टुसाउ के जो है वो एंट्री गेट है, अंदर भी बहुत सारे स्टेचू उन्होंने रखे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनलिटी के, एशिया के और अमेरिका के, यूरोप के और दुनिया भर की जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं उन सब की अंदर स्टेचू बना के उन्होंने रखे हुए। देखो इनके कितने फैन हैं जो बाकायदा तस्वीरें बना रहे हैं। दोनों जगह जो है ना बच्चों के मशहूर खेल पेश किए जा रहे हैं, दोनों जगह पे। यहाँ अपना अलादीन का खेल पेश किया जा रहा है, ये वाला अलादीन का, और सामने मेरे जो है इस तरफ हैरी पॉटर का खेल पेश किया जा रहा है। ज्यादा लोग इंजॉय करते हैं, देखते हैं स्टेज पे सारे अपने किरदार, मशहूर मशहूर फिल्में, मशहूर सीरीज, टीवी प्रोग्राम बने हैं और यहाँ कई सालों से ये दिखाए जा रहे हैं और हाउसफुल जा रहा है माशाल्लाह।